इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां केसरबाग में भी कॉमन कलर कोड लागू करने की तैयारी हो गई है। केसरबाग चौराहे पर एक ही रंग की होगी इमारतें, हजरतगंज की तर्ज पर केसरबाग चौराहे पर व्यवस्था होगी, चौराहे पर एक ही रंग की सभी इमारतें होगी, साइन बोर्ड के लिए भी एक ही कलर तय किया जाएगा। एलजीए में आर्किटेक्ट के साथ हुई बैठक में जताई सहमति। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां केसरबाग में भी कॉमन कलर कोड लागू करने की तैयारियां हो चुकी है। केसरबाग चौराहे पर एक ही रंग की इमारतें होगी, हजरतगंज की तर्ज पर केसरबाग चौराहे पर व्यवस्था होगी, चौराहे पर एक ही रंग की सभी इमारतें होगी, साइन बोर्ड के लिए भी एक ही कलर तय किया जाएगा। एलडीए में आर्किटेक्ट के साथ बैठक में इस चीज की सहमति जताई गई है। बता दें कि केसरबाग में भी कॉमन कलर कोड लागू करने की तैयारियां हो चुकी है। केसरबाग चौराहे पर एक ही रंग की होगी इमारतें, हजरतगंज की तर्ज पर केसरबाग चौराहे पर जो है व्यवस्था की जाएगी और चौराहे पर एक ही रंग की सभी इमारतें होंगी, साइन बोर्ड के लिए भी एक ही कलर तय किया जाएगा। एलडीए में आर्किटेक्ट के साथ हुई बैठक में जताई सहमति, इस मामले को इस बात को लेकर सहमति जताई गई है। अब हजरतगंज की तर्ज पर केसरबाग में भी कॉमन कलर कोड लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी है, चौराहे पर भी एक ही रंग की सारी इमारतें होगी। बता दें कि साइन बोर्ड के लिए भी एक ही कलर तय किया जाएगा और एलडीए में आर्किटेक्ट के साथ सहमति जताई गई है। बैठक हुई थी, इसमें इस चीज को लेकर सहमति जताई गई कि अब केसरबाग में भी कॉमन कलर कोड लागू करने की जो है पूरी तैयारियां हो चुकी है। केसरबाग चौराहे पर एक ही रंग की इमारतें होगी, हजरतगंज की तर्ज पर यह फैसला लिया गया है। हजरतगंज के बाद अब केसरबाग में भी जो है कॉमन कलर कोड लागू कर दिया गया है। चौराहे पर एक ही रंग की सभी इमारतें होगी, साइन बोर्ड के लिए भी एक ही कलर तय किया जाएगा। वहीं एलजीए में आर्किटेक्ट के साथ बैठक हुई थी, इसमें इस चीज को लेकर सहमति दी गई कि अब हजरतगंज की तर्ज पर केसरबाग में भी कॉमन कलर कोड लागू किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां केसरबाग में भी कॉमन कलर कोड लागू करने की तैयारी है। केसरबाग चौराहे पर एक ही रंग की होगी सारी इमारतें, हजरतगंज की तर्ज पर केसरबाग चौराहे पर व्यवस्था होगी, चौराहे पर एक ही रंग की सभी इमारतें होगी, साइन बोर्ड के लिए भी एक ही कलर तय किया जाएगा। एलडीए में आर्किटेक्ट के साथ हुई बैठक में इस चीज को लेकर सहमति जताई गई। बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जो केसरबाग में भी कॉमन कलर कोड लागू करने की तैयारियां हो चुकी है। केसरबाग चौराहे पर एक ही रंग की सारी इमारतें होंगी, हजरतगंज की तर्ज पर केसरबाग चौराहे पर व्यवस्था की गई है और चौराहे पर एक ही रंग की सभी इमारतें होंगी, यहां तक कि साइन बोर्ड के लिए भी एक ही कलर का उपयोग किया जाएगा। एलडीए में आर्किटेक्ट के साथ हुई बैठक में जताई गई सहमति। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां केसरबाग में कॉमन कलर कोड लागू करने की तैयारी हो चुकी है और इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, हजरतगंज की तर्ज पर केसरबाग चौराहे पर भी जो है अब कॉमन कलर कोड लागू कर दिया गया है और तैयारियां पूरी हो चुकी है। जी,
देखिए बिल्कुल आपको बताया जिस तरह से लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है उसके तर्ज पर जिसे आपने देखा होगा कि हजरतगंज में कॉमन सिविल जो है कलर कोड रखा गया था जिससे भी हजरतगंज की जितनी भी मार्केट है वहाँ पर उसको कॉमन तरीके से एक कलर कोड तैयार किया गया था। अभी ऐसा खर्च हो रहा है पर ये कॉमन कलर कोड लागू होगा जिसके तर्ज पर अब उस पर नगरीगन काम करेगा। आपने देखा होगा कि हजरतगंज से लेकर कैसरबाग तक जिस तरीके से कॉमन कलर कोड जिस तरीके से लागू किया था उसी के तर्ज पर अब बाद में भी कॉमन कोड लागू किया जाएगा। इसके अंदर साइन बोर्ड की तरफ से एक कलर तय किया गया है जिसमें एनडीए के आर्किटेक्ट जो है इस इसमें सहमति जताई गई थी। अब उसी के साथ पर कैसर बात को भी कॉमन कलर कोड किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर हमने आपको लखनऊ से बताई जहां अब केसरबाग में भी कॉमन कलर कोड लागू करने की तैयारी हो चुकी है और एक ही रंग की सारी इमारतें होंगी। हजरतगंज की तर्ज पर केसरबाग चौराहे पर व्यवस्था होगी।